मी माझा बॉर्न अँड बॉटर मी शिवाजीनगर मधीच आहे. अच्छा. माझं मायका इथं आहे. मी इथे 25 वर्ष झाले मी इथं राहते. पण बोलतात ना एकदम वस्त झाले बायकांसाठी, ते एकदम वस्त झाले कुठल्याही जातचे असून दे, एकदम वस्त झाले. पोरांना समजवायला गेले ना ती एवढी यंग पोरं, क्लासेसची पोरं बॅड वर्ड जाऊ देतात, काय एकदम घाण करतात, दाखवतात बोट दाखवतात आम्हाला बायकांना. मग आमची सेफ्टी कोण आहे, कोण देणार आम्हाला? एवढा वैताग आलाय. आम्ही असं उभं राहून फ्री म्हणजे फ्री सारखं आम्ही उभं पण राहू शकत नाही, एवढं प्रॉब्लेम झाला आम्हाला. आता एक फोन केला ते पोलीस 10-15 मिनिटं तर लागणारच ना त्यांना यायला, त्यापर्यंत घडून येतात गल्ल्या गल्ल्यामध्ये निघून जातात. मग आम्हाला त्रास केवढा होतो. मग बहुत खराब होत आहे ना, वो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है. वो बच्चे लोग स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, बहुत डर लगता है. वो लड़की लोग है ना, अब औरत को भी डर लगता है. ऐसा गली गली में बहुत खड़ा रहता है बच्चे लोग, वो देखना पड़ता है ना. पुलिस का वो काम है ये, देखना मिलता है. पुलिस मदती अरे पुलिस लोग कष्ट आते येणार ना. आपण सांगितल्यावर आता काय, आपण सगळं सगळीच लोक सांगतात का असं पोलिसला, कोणी घाबरून बसतं ना. बरोबर. आपल्यावर कोणी पाळत ठेवलं, आपलं कोणाला काय समजेल असं, म्हणून कोण बोलू शकत नाही ना. असं जायचं म्हणलं तरी बी घासून जायचंच. आणि बाथरूमच्या आजूबाजूला खूप इकडं असे लोक उभा राहतात. तो अभी देखी रहे हो, अभी तक तो सब सही था, आगे चल के इलेक्शन का दौर है, क्या होता है क्या. अब 1.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया तो बोल ही नहीं सकते ना क्या कैसा माहौल. हाँ हाँ, ये अचानक से 1.5 साल की लड़की का ये मृत्यु हो गया. हाँ अचानक से, कल 8 बजे रात को गायब हुई है. ढूंढ रहे थे एनसी की है, फिर तो कंप्लेंट करने बाद पुलिस भी रात में आई. अभी भी सुबह से पुलिस, अभी 12 बजे 12:15 बजे लाश मिली बच्ची के नाले में गटर में. ओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है. हाँ बहुत पुलिस थी, अभी तो कम हुई, बहुत पुलिस, पूरा रास्ता बंद किए थे, पुलिस ही पुलिस थी. चुनाव की ये बात थी, इतना क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे, हम लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ने के लिए हो रहा है. एकदम डर लग रहा है कि बच्चे खेलने नहीं जाए, अरबी नहीं जाए, ट्यूशन नहीं जाए, इतना रेप हो रहा है यहाँ पर. अभी SRA की बिल्डिंग में भी रेप हुआ है, मगर वो बात को दबा दिए कि क्या नाम है कि रेप हुआ. अभी इधर आए तो इधर सोया, हम लोग छोटा छोटा बच्चे 1 साल का लेकर कहाँ जाने का, किधर जाने का. बच्चे स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, कितनी सेफ्टी रखने का. मैं तो यहाँ के जो भी MLA MLAC रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेहरबानी करके यहाँ के एरिया के ऊपर देखे, इतना माहौल इतना खराब हो चुका है यहाँ का. गांजा और चरस जगह जगह पर लड़के पीते खड़े हुए रहते, लुखे लड़के खड़े रहते, कोई भी लोगों को होश नहीं रहता है नशे में कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग. तो बस यही मेरी यहाँ के जो MLA अबू आसिम आजमी से यही रिक्वेस्ट है कि कितने मामले ऐसे दब जाते हैं जो आते नहीं. माँ बाप पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमारी इज्जत खराब होगी, हमारे और बच्चे. तो मैं मेहरबानी करके जहाँ पे भी ये सब हो रहा है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने माध्यम से कि लोग इस पर आवाज़ उठाए, क्योंकि जब तक ये जागृति नहीं होगी ये चीज़ रोज होती रहेगी. बोल बोल के कितना ही लोग MLA हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई चीज़ के ऊपर. लगातार कुछ ना कुछ होता है. अभी तो बच्चा बाहर छोड़ने भी डर लग रहा है. कितनी सी बच्ची है वो, 1.5 साल की बच्ची है. खुदा ना खास्ता कल को किसी और के साथ में, लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे. अब अल्लाह मालिक है उसके साथ हुआ क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है. अपने को तो एग्जैक्ट कुछ भी नहीं मालूम है. अभी पोस्टमार्टम में भी क्या आया वो भी नहीं मालूम है. बाकी जो भी है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने इधर के लोग ये जो पूरा प्लॉट में चरसी गंजी सब खड़े रहते हैं, उन लोगों को भी कोई बोलने वाला कुछ भी नहीं है. तो पुलिस भी अभी आज दिख रही है, अभी 8 घंटे के बाद में वो भी नहीं दिखने वाली है. तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब एक थोड़ा सा एक इनसिक्योर माहौल यहाँ तैयार हो चुका है ऐसा लगता है. चाची जी, मैडम जी, मतलब माहौल थोड़ा सा खराब हो चुका है. जी जी, इस पर क्या कहोगे आप? क्या बोल सकते हैं अभी, ये सब आप लोग को ही देखो अभी क्या है. पुलिस लोग को भी समझना चाहिए सब. हम लोग का तो बच्चे लोग का ही, हम लोग का सब देख के सब दिमाग खराब हो गए. इसके लिए तो आए ले, हमारी भी कल बच्ची को किसी ने छेड़े ला इधर, तो उसको तो हम लोग ने मारे रास्ते में ही मारे ले. ऐसा जवान बच्ची नहीं चल सकती, ये तो छोटी मासूम बच्ची थी. तो सोच के हम लोग एकदम ताजुब क्या ही हो जाएगा, 1.5 साल की बच्ची है वो. ये मतलब यहाँ अब लगातार ये घटनाएं घट रही है. हाँ बहुत, कहाँ कहाँ सुनाई देती है. बाबानगर में कभी कभी 8 नंबर रोड पे, कभी 10 नंबर रोड पे. हाँ वहाँ अभी तो वहाँ लड़के का, लड़के ने किया था वो रेप हुआ था. नशे का अड्डा बन चुका है. हम लोग परेशान हो गए, बोल बोल के थक गए. यहाँ तक हम लोग को मारने के लिए भी आ जाते.
और हम लोग बोलते ना छूट जाते लोग एकदम 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 यहाँ तक आते क्या कर लोगे बोलते यहाँ है ना जैसा कोई चाकू निकालता है तलवार निकालता है कोई किसी को कुछ बोलने ही नहीं जाने मिलता है और एक जन बोलेगा ना तो दूसरा चेहरा दिखते बैठता है कुछ बोलता ही नहीं वो बोलेगा ही नहीं एक ही जन मरो तुम लोग ही मर जाना तो फिर सामने वाले कौन आगे जाएगा तुम बताओ ना यहाँ MLA है ये बनते हैं लेकिन इस कामों के लिए कोई आगे नहीं आता है बस वोटिंग मांगने के लिए बस इतना ही बोलेंगे हमको वोट दो हम सब कुछ करेंगे अभी किधर गए सब जन आना चाहिए ना अभी अभी क्यों नहीं आ रहे अभी तक के मेरा नहीं ख्याल है एक भी पॉलिटिक्स का कोई आया होगा कोई भी अभी तक के यहाँ पे दिखा नहीं है ना तो यहाँ का नगर सेवक कोई दिखा है ना कोई सब अंजाम पुलिस वाले खड़े वो भी वो पुलिस वाले भी खड़े रहेंगे मैयत दफनाने के बाद कोई दिखने वाला नहीं है और क्या यहाँ MLA वो तो कोई मतलब ही नहीं आ रहे कोई कुछ मतलब नहीं आ रहा सारी तकलीफें यही रह जाएगी लोग ना कुछ काम ही नहीं आने वाले लास्ट तक के अशी घटना झाली तर बोलायला पाहिजे असं व्हायला नाही पाहिजे आता इथं लय नशिळे पण लय आहे पोरं इकडं है तिकडं है ते सर्व ते लोकांना जानकारी करायला पाहिजे इन्क्वायरी करायला पाहिजे त्यांना असं करा की मारून टाका असं घटना दुसरे वेळ नाही यायला पाहिजे है का नाही असं झालं आता एकचं झालं कुणी आता दुसऱ्यांचं झालं तर मग काय करायचं हा त्यांच्यामुळे ऍक्शन घ्यायला पाहिजे है का नाही क्या चल क्या रहा है भी देखिए बच्ची का ऐसा ऐसा हो गया कल ही खबर मिली थी और आज ऐसी बात हो गई अब उसमें क्या बताया जाए ये गंजेड़ी नशेड़ी सगे ये कहाँ से अभी ये तो कहाँ से यहीं के हैं और कहाँ से आते हैं अब वो देखना पड़ेगा ना देखेंगे भाई पुलिस है वो कार्रवाई करेगी देखेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हैं लेकिन ऐसा होना ये बहुत गलत बात है ना उसके लिए अब ये लोग छानबीन कर रहे हैं अगर रात को हुई होती छानबीन हो सकता है और जल्दी पता चल गया होता शाम की घटना थी और सुबह में हुआ माहौल बिगड़ गया जो है रात में बच्ची गायब हुई फिर सुबह लेकिन मैंने सुना है कि नशेड़ी गंजेड़ी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं है हाँ नशेड़ी तो ज्यादा है तो कैसे सुरक्षा होगी महिलाओं की प्रशासन उस पर थोड़ा ध्यान दे और क्या पर ये प्रमाण क्यों बढ़ गया है यहाँ इस इलाके में नशे का अभी कैसा है हाँ अभी कहाँ से आता है कैसा नशा करते है पुलिस को छानबीन करना चाहिए देखना चाहिए ये तो बहुत मुश्किल है ऐसा अगर हो किसी के भी घर में कुछ हो सकता है आपको क्या लगता है इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए किसने किया ये क्यों किया और जल्द अज जल्द मैं आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरन आरोपी को गिरफ्तार किया जाए लेकिन अगर वो नशे वाला है हाँ बहुत सख्त कार्रवाई हो और आम आदमी भी हो कोई भी हो पर ये कहाँ कैसे बढ़ गया गोविंद शिवाजी नगर में नशे का कैसे बढ़ गया ये हम लोगों ने रोका नहीं इनको अगर हमारे घर के पास या कहीं और भी कोई भी नशा कर रहा है कोई प्लॉट में हम उसको मना करेंगे तब वो ये लोग रुकेंगे हम लोग उनसे ये डरते हैं कि ये आउटलाइन लोग है आम आदमी इसलिए थोड़ा सा घबरा जाता है ये आउटलाइन लोग है लेकिन अगर हम में का हर आदमी हर चलने फिरने वाला माँ बहन भाई बड़ा बुजुर्ग उनको मना करेगा तो ये हट जाएंगे यहाँ से और इसको अब हटाना बहुत ज़रूरी होगा यही एक चुनाव में मुद्दा बन सकता है चुनाव को दूर रखिए अभी आप ये बच्ची मेरी बेटी आपकी पोती आपकी नवासी एक मासूम सी बच्ची के साथ कितना गलत हरकत हुई दिल दहलाने वाला कलेजा कांप जाता है ये सब बातों से मैं आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द इंक्वायरी की जाए और आरोपी को पकड़ा जाए आप लोग क्या कहेंगे मतलब आप युवा हो फिर भी यहाँ नशे का काम चलता है कितने सारे लोग नशा करते हैं कुछ नहीं बोल नहीं गलत तो है नशा पानी गलत है आज इसके साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता जरूरी नहीं है और भी बच्चे रोड पे खेलते हैं वो तो इतनी छोटी थी बड़े बड़े बच्चे भी है एक आदमी अगर उठा के ले जाए तो थोड़ी वो बच्ची कुछ बोल पाई मुंह बंद कर देंगे वो तो छोटी सी बच्ची थी अब जिसकी बच्ची गई है उसको पता है वुमेन सीक्रेट तो है ही नहीं इधर जरा भी नहीं है कोई भी कास्ट को नहीं है लड़की एक ही है ना कोई भी धर्म की रहने दे उससे कोई मतलब नहीं होता है सब एक ही है चाहे वो हिंदू रहने दे मुस्लिम रहने दे उससे मतलब नहीं है किसी को अब हम लोग आजू बाजू रहते हैं सब एक जैसे ही रहते हैं ना उसमें कौन सी बात आ गई है एक का कुछ रहेगा मसला तो सब मिलके आना चाहिए मेन बात वो होती है दरवाजा बंद
हम लोग भी तकलीफ में ही है ना। अब ये बच्ची के साथ ऐसा आप हो गया। यही रहते हैं आप किधर, सब ठीक है? मैं तो 5 नंबर में रहते तो नहीं है सर। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं ठीक तो नहीं है, मतलब मैं बोर, अभी मेरी बच्ची ट्यूशन जाती है, मैंने ऐसा सुनी तो मैं जॉब पे से भाग के इसको लेने के लिए आई जाती है, रोज डेली अकेले आती है। ये जब 1.5 साल की बच्ची सर सेफ नहीं, तो हमारी बच्ची तो अभी फिर भी 13-14 साल की, तो हमारी बच्ची कैसा सेफ रहेगी? हम लोग को सेफ्टी चाहिए सर, बस हम लोग सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ करो।